हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब एक बार आप ये एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट्री में खुला है और ये ऑलमोस्ट 149 शानदार मूव अनुज ये फ्लैग का ब्रेकआउट तो पहले था और अब ये अनुज अपना जुलाई 2008 अच्छा आठ का हाई पहले ही निकल गया है अनचार्टेड टेरिटरी नल को है ना बिल्कुल बीटो देखिए नैलको का जहाँ तक आ, मामला है सुबह स्पॉटलाइट में आया था क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट था आ, इसमें क्या होता है इसमें आज जैसे मूव आ गया हो सकता है उसके बाद एक दो दिन के लिए कंसोलिडेट कर जाए लेकिन जब हमने जैसा कहा था पिछली स्पॉटलाइट के बाद इसमें चालीस का मूव आया था अब मेरा ये मानना है कि ये और अगले चालीस <laughs> पचास के मूव की तैयारी कर रहा है देखिए मेटल्स में ना कमोडिटीज़ में यही होता है कमोडिटीज़ में आप एक बार आपको ढंग की एंट्री मिल जाए ना उसके बाद वो कहाँ तक जा सकते हैं यू नेवर नो और यही पिछली बार आरती में हुआ था यही मेरे ख्याल से नैलको में हो रहा है अभी आ, तो इसके लिए इनमें इन, इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए अपना बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें जैसे जैसे स्टॉक्स और चलते रहते हैं उस हिसाब से जैसे अब आज चल गया तो अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और बढ़ा लें कल या परसों के लो के हिसाब से कर लें उस तरीके से कर लें मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर क्लियरली जी हाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है सचिन इस चार्ट अगर मैं आपके सेकेंड थाट्स लूँ

180 185 के जोन में पहुंच जाना चाहिए एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर ऑलरेडी यू नो एक्टिवेट हो चुका है एंड जिस तरीके से एक बेस इसने कंफर्म किया था अराउंड 130 के आसपास का मुझे लग रहा है जब तक ये बेस टूटता नहीं है तब तक मेजर ट्रेंड में बदलाव नहीं होगा मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉसेस 142 के आसपास लगाए जा सकते हैं एंड पोजीशन जिसे पर और भी ऐड की जा सकते हैं 185 के टारगेट के लिए